हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। 120 क्वेश्चंस कल दिए थे इस टेस्ट के, 121 से करना है। चलिए शुरू करते हैं। 121, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन उत्तर प्रदेश राज्य में किस जिले में आयोजित किया गया? यूपी की कोई भी बात हो उसको मार्क कर लिया कीजिए, इंपॉर्टेंट होता है। ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन, दीनदयाल हस्तकला संकुल कहाँ पर हुआ है? वाराणसी में। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, इसको भी साथ में याद रखना है। कई बार पूछा है दीनदयाल हस्तकला संकुल मैचिंग में, कई बार क्वेश्चन यूपी स्पेशल से पूछा है, इन सब नामों से क्वेश्चन कई बार पूछता रहता है। व्यापार सुविधा केंद्र एवं शिल्प संग्रहालय वाराणसी में है, यहीं पर ऑर्गेनाइज किया गया ये कॉन्फ्रेंस। किसने किया? होम मिनिस्ट्री ने। हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 122, ऐसे इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर इसी टेस्ट का क्वेश्चन नंबर 102, उसको आप लोग देख लेना ठीक से, वहाँ पर हम लोगों ने अच्छे से समझा था, फिर भी यहाँ पर कर लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पर नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवाओं का डिफ्लेक्शन राइट वार्ड हो जाता है, ये हम लोगों ने सीखा था, और दक्षिणी गोलार्ध में हवा का डिफ्लेक्शन हवा की दिशा के लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाता है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में अगर हवा किसी भी डायरेक्शन में चल रही है तो वो अपने राइट डिफ्लेक्ट करेगी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं। अगर हम इस एयर मास का एग्जाम्पल लें तो इसका राइट क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट कर जाएगी, और ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाएगी, और ये वाला एयर मास इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो ये कौन सी डायरेक्शन आपको समझ में आ रही है? ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन आपको समझ में आ रही है, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में या उत्तरी गोलार्ध में हवाएं क्लॉक वाइज रोटेट करती हैं, और वही इसके विपरीत साउथ हेमिस्फीयर में हवाओं का रोटेशन एंटी क्लॉक वाइज हो जाता है। क्लियर है? वो यहाँ से बन जाएगा, वो यहाँ से आप लोग निकाल लेंगे। और जो ये डिफ्लेक्शन हो रहा है इसको गवर्न कौन कर रहा है, ड्राइव कौन कर रहा है? कोरियोलिसिस फोर्स गवर्न कर रहा है, कोरियोलिसिस फोर्स ड्राइव कर रहा है। अब जल्दी से क्वेश्चन कर लीजिए। पहला पॉइंट है, दक्षिणी गोलार्ध में पवनें दक्षिणावर्त चलती हैं। दक्षिणावर्त का मतलब है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज, लेकिन ऐसा तो नहीं सीखा हम लोगों ने, हम लोगों ने साउथ हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज देखा। पहला पॉइंट गलत है। दूसरा पॉइंट है, पवनों की दिशा कोरियोलिसिस प्रभाव से नियंत्रित होती है, ये बिल्कुल करेक्ट है, सही बताना था, केवल 2 सही हो जाएगा। समझ आया? और अच्छे से समझना हो तो क्वेश्चन नंबर 102 का सॉल्यूशन देख लेना। चलिए 123 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रक्त वर्षा की परिघटना पाई जाती है? रक्त घटना यानी ब्लड रेन, तो ब्लड थोड़ी ना आता होगा रेन में, लेकिन ब्लड की तरह कलर रेड जरूर रहता होगा। जहाँ कहीं भी अगर बारिश हो रही है, अगर इस वर्षा में लाल रंग के डस्ट पार्टिकल ऐड हो जाएं या मिक्स हो जाएं तो ये रेड हो जाएगी वर्षा। ये धूल के लाल कण कहाँ से आ रहे हैं? तो हर कहीं पर रेगिस्तान है, रेगिस्तान से अगर कोई हवा चलेगी तो वो रेगिस्तान की धूल को उड़ाते हुए लाएगी, और रेगिस्तान की सॉइल लगभग रेड है। ऐसे ही आपने एक गर्म हवा का नाम सुना होगा जिसका नाम है सीरक्को। ये सहारा मरुस्थल से, सहारा डेजर्ट से कहाँ पर चलती है? ये मेडिटेरियन सी की तरफ चलती है। सहारा डेजर्ट होते हुए भूमध्य सागर से लांग के जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? आपको इटली मिल जाएगा। तो ये बारिश इटली में होती है। अगर इटली में बारिश होती है तो इस बारिश के साथ सीरक्को द्वारा लाए गए लाल रंग के जो धूल के कण हैं वो भी इस रेनफॉल में मिल जाते हैं, और ऐसा लगता है कि ब्लड रेन हो रही है। हो जाएगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 124 देखिए, 124 में ज्वालामुखी लावा के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर डिफरेंस बताना है बेसिक लावा में और एसिडिक लावा में। पृथ्वी के अंदर अगर हॉट लिक्विड मटेरियल है तब तक वो मैग्मा है, जैसे ही वो सरफेस के बाहर आ जाएगा उसे लावा बोला जाता है, फिर मैग्मा नहीं बोला जाता उसे। आइए देख लेते हैं क्या क्या फीचर्स होते हैं दोनों प्रकार के लावा में। बेसिक लावा में आयरन का रिचनेस होता है, जबकि एसिडिक लावा सिल्का में रिच होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बेसिक लावा बहुत ज़्यादा तरल होते हैं जबकि एसिडिक लावा बहुत गाढ़े होते हैं। अब आप बताइए, अगर बहुत ज़्यादा तरल होगा तो ये ज़्यादा क्षेत्र में फैल जाएंगे, और जो गाढ़े रहेंगे वो बहुत दूरी तक फैल नहीं पाएंगे और जल्दी ही ठंडे हो जाएंगे। इससे हम लोगों ने क्या ऑब्जर्वेशन निकाला, बेसिक लावा देर से ठंडे होते हैं और एसिडिक लावा जल्दी ठंडे हो जाते हैं। अब आप बताइए, अगर बेसिक लावा होगा तो ये बहुत दूरी तक फैल जाएगा, तो इसमें एक लावा की शील्ड बन जाएगी, लेकिन इसके विपरीत जो जल्दी ठंडा हो रहा तो वो तो जैसे ही वोल्केनो इरप्ट हुआ और थोड़ा सा नीचे आया और ठंडा हो गया, यानी इसका शेप आप कैसा देख रहे हैं, कोनिकल फॉर्म में, कोनिकल शेप फॉर्म कर रहा है, जबकि आपने बेसिक में क्या देखा था, यहाँ पे कोनिकल नहीं बन रहा है, यहाँ पे सील्ड बन रही है। कोनिकल फॉर्म तो तभी बनेगा ना जल्दी से जब जैसे इरप्शन हुआ और ठंडा गया, ये दूर तक बह नहीं पा रहा है, बहता तो कोनिकल शेप नहीं ले पाता, सील्ड का फॉर्म लेता। अगर आपको कोनिकल शेप के वोल्केनो देखना है तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है माउंट मेरापी, आपने नाम सुना होगा, आपने दूसरे माउंट का भी नाम सुना, माउंट एटना, याद आ रहा इटली वाला, इनका फिगर देखना आप, बिल्कुल कोनिकल शेप में ही रहेंगे, तब आपको आइडिया लग जाएगा कि इनका जो फॉर्मेशन हुआ है
वो एसिडिक लावा से हुआ है, और वहीं दूसरी तरफ बेसिक लावा से बनी हुई जो वोल्केनो है वो है मोना लोआ। पढ़ते रहते हैं हम लोग मोना लोआ। आपने क्लाऊ का भी नाम सुना है, क्लायू। देखना आप लोग इमेज पे, यहाँ पे समय नहीं है तो मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप वोल्केनो का शेप देख के बता सकते हैं कि इससे जो इरप्शन होता है मटेरियल या लावा वो एसिडिक है या फिर बेसिक है। चलिए वापस चलें। पहला पॉइंट है पैथिक लावा, यानी बेसिक लावा की बात कर रहे हैं। आयरन से भरपूर होता है लेकिन इसमें सिलिका की कमी होती है। यही सीखा था ना आपने अभी, बेसिक लावा में आयरन रिच होता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। सिलिका जिसमें रिच होता है वो एसिडिक होता है। अम्लीय लावा कम घनत्व और उच्च गलनांक वाले होते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सी पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। समझ आया? चलिए 125 देखिए। 125 में गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले से होकर गुजरता है? पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखा था। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग सारे एक्सप्रेसवे देखेंगे। यमुना एक्सप्रेसवे देखेंगे, आगरा लखनऊ देखेंगे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखेंगे, और जो क्वेश्चन पूछा गया है गंगा एक्सप्रेसवे उसको भी देखेंगे। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, रिवाइज कर लीजिए, काम आएगा। दिल्ली से आगरा तक जो एक्सप्रेसवे है उसे यमुना एक्सप्रेसवे बोलते हैं, ठीक है। आगरा से लखनऊ का जो एक्सप्रेसवे है वो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। इसके बाद आपने लखनऊ से गाजीपुर, ये लोकेशन गाजीपुर की है, ये आपने पढ़ा था पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ठीक है। तीन एक्सप्रेसवे देख लिया। अब देखिए गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू करना है और प्रयागराज तक, मेरठ से प्रयागराज फेज़ वन वाला गंगा एक्सप्रेसवे है। फेज़ टू में इसको एक्सटेंड किया गया है प्रयागराज से बनारस होते हुए बलिया तक, क्लियर है। यानी अब गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से लेके बलिया तक है। इस एक्सप्रेसवे को लिंक भी किया गया है। यहाँ पे देखिए आप हरिद्वार वाली लोकेशन, यानी उत्तर प्रदेश से आप उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर तक जा सकते हैं, ठीक है। अब हो जाएगा, पॉज कर लेना वीडियो को और फिर से रिकॉल कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे देखिए उस फिगर में ये तो नहीं दिख रहा था कि किस किस डिस्ट्रिक्ट से होते हुए जा रहा, तो यहाँ पे आपको कोशिश कर रहा हूँ यहाँ दिखाने की। मेरठ के बाद हापुड़, जेतुआ, फुलेनगर, इसका पुराना नाम अमरोहा है, अमरोहा, संभल, शाहजहाँपुर, बदायूं, फरुखाबाद, हरदोई, उन्नाव, प्रतापगढ़, रायबरेली और लास्ट में प्रयागराज। ये फेज़ वन वाला है। लेंथ हम लोगों ने 594 किलोमीटर पड़ी थी। हापुड़ और अमरोहा के बीच में एक शहर और है, इसका नाम है बुलंदशहर। ये ऑप्शन में पूछा गया इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपने मेरठ को देखा, हापुड़ को देखा, बुलंदशहर को देखा और अमरोहा को भी देखा। डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए 126 देखिए। भारत में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एलुवियल सॉइल, नॉर्दर्न प्लेन जो है इंडिया का वो पूरा एलुवियल सॉइल से ही तो है, ये तो बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है, इसमें तो कुछ भी उगा लो, आप सीरियल्स भी उगा सकते हैं, आप पल्सेस भी उगा सकते हैं। पहला पॉइंट करेक्ट है, ये मिट्टी अनाज और दलहनी फसलों की खेती के लिए आदर्श है। दूसरा पॉइंट देखिए, जलोढ़ मिट्टी को पूर्वी तटीय मैदानों में देखा जा सकता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कृष्णा नदी का मैदान है, गोदावरी नदी का मैदान है, कावेरी का है, तो यहाँ पे तो एलुवियल सॉइल रहेगी। रिवर बेसिन मेन सोर्स है इस मिट्टी का, सी पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। एलुवियल सॉइल यहाँ पे लाइट ग्रीन कलर से दिखाया गया, मैं यहाँ पे मार्क भी कर दे रहा हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूशन है एलुवियल सॉइल का। और यहाँ पे भी जो हम लोगों ने कावेरी, कृष्णा और गोदावरी का मैदान देखा था, यहाँ पे भी है। नॉर्थ ईस्ट में आप यहाँ पे ब्रह्मपुत्र का मैदान ले सकते हैं, ये हुगली वाला हिस्सा है, ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है जलोढ़ मिट्टी का, हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेना और सारी मिट्टियों का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना, यहीं पे दुनिया भर की थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से सीख लीजिए। चलिए 127, निम्नलिखित में से किस वन का वनावरण विश्व में सर्वाधिक है? फॉरेस्ट कवर पूछा जा रहा है और किस तरह के फॉरेस्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्परेट कॉनीफेरस फॉरेस्ट दुनिया में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इंडिया को सोच के मत लगा देना, इंडिया में डेसिडुअस फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं। समशीतोष्ण शंकुधारी वन, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर किस देश के पास है, तो आपका उत्तर होना चाहिए रूस। जैसा हम लोग इंडिया के परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ पर, तो हम लोग मध्य प्रदेश आंसर लगा देते हैं, पूरी दुनिया में भी याद रखें। यहाँ पे देखिए, ये 2020 का डेटा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम लोग FAO पढ़ते हैं, उसके द्वारा रिलीज किया हुआ है डेटा है। आप देख सकते हैं सबसे डार्क कलर कहाँ पर, रसिया में, और इस कलर का मतलब क्या है, यहाँ पे 500 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर क्षेत्र पर फॉरेस्ट कवर है। हम लोगों ने सीखा था अगर इसको करोड़ बनाना है तो 10 से भाग दे दीजिए, यानी 50 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन पर रसिया में सिर्फ फॉरेस्ट कवर है। तो ये तो ओवरऑल बात हो गई थी। यहाँ पे देखिए, जो हम लोगों से क्वेश्चन पूछा गया था कोनीफेरस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा यही है ना दुनिया में, पहले तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए,
कनाडा और अलास्का में इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा और लगभग पूरे रसिया में इनका डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा। यानी जो आपने देखा था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वन किसके पास है, रसिया के पास है। एक फैक्टर ऐड कर लीजिए, रसिया के पास जो वन है फॉरेस्ट है वो यही वन है, कोनीफेरस फॉरेस्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 128, किसी भी क्षेत्र की जलवायु मुख्यतः किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। निर्धारण में तो चारों फैक्ट आ जाते हैं, हाइट, अक्षांश, वनस्पति का प्रकार और प्रॉक्सिमिटी टू द सी, समुद्र से निकटता। लेकिन यहाँ पर मुख्यतः पूछा है। अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा कॉनीफेरस फॉरेस्ट हायर लेटीट्यूड पर होते हैं, यानी लेटीट्यूड या अक्षांश आपको काफ़ी कुछ बता दे रहा है। क्लाइमेट्स की जो बेल्ट पेटियाँ का निर्धारण जो हुआ है वो अक्षांशों के आधार पर होता है, तो भी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 129, खड्डे या नाले का कटाव किसके द्वारा होता है। इसको गुल्ली इरोजन बोलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं, लॉन्गिट्यूडनल खड्डे हो जाते हैं पानी के बहाव के कारण। यहाँ पे देखिए आपको ये खाई की तरह नज़र आ रहा है, ये गुल्ली इरोजन है, ये पूरी मिट्टी यहाँ से डिस्प्लेस हो गई है और एक खाई जैसी लॉन्गिट्यूडनल खाई बन गई है। इसको कैनियन मत समझना, कैनियन बहुत बड़े आकार के होती हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलें, चलिए 130 देखिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इस सर्वे को कराने वाली संस्था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इस क्वेश्चन में पूछा गया कि इस सर्वे को कंडक्ट कराने के लिए कौन सी संस्था कोऑर्डिनेट और टेक्निकल गाइडेंस प्रोवाइड कर रही है। ये चारों ही ऑप्शन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सेपरेटली पढ़ना और ये कहाँ पे है ये याद रखना है। सर्वे के लिए टेक्निकल गाइडेंस IIPS प्रोवाइड करा रहा है, जनसंख्या विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस मुंबई में है, भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको टिस्का भी याद रखना है, मुंबई में है। इंदिरा गांधी विकास अनुसंधान संस्थान मुंबई, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मुंबई, इनको भी अलग से याद रखें। अभी जो 2021 में सर्वे कंडक्ट हुआ ये हेल्थ सर्वे 5वें नंबर का है, ये नंबर भी पूछा गया है, ध्यान रखना ये 5वें नंबर का हेल्थ सर्वे है जो 2021 में कंडक्ट हुआ था। इस सर्वे का एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, PFR टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसे प्रजनन दर भी बोलते हैं, 2.7 से घटकर 2.4 हो गई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। चलिए 131 देखिए, बहुआयामी गरीबी सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीति कमीशन के द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में जो यूपी के डेटा आए हैं वो हम लोगों को जानना है, यूपी देश का तीसरा सबसे गरीब राज्य है। इस इंडेक्स में बताया गया है कि यूपी की लगभग 45 पॉपुलेशन कुपोषित है। इस इंडेक्स में बताया गया है कि सबसे गरीब राज्य भारत का बिहार है, सबसे गरीब बिहार, उसके बाद गरीब झारखंड और उसके बाद गरीब यूपी। अभी आपने देखा यूपी की तीसरी रैंक है और यूपी में डिस्ट्रिक्ट वाइज ही पूछ लिया गया, तो ध्यान रखना श्रावस्ती जिला यूपी का सबसे गरीब है और लखनऊ डिस्ट्रिक्ट जो है वो सबसे कम गरीब है। इतनी चीज़ें हम लोगों को सीखनी थी इसमें, ठीक है। चलिए 134 देखिए, जहाँ तक वन और वन्यजीव संसाधनों के संरक्षण का संबंध है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को सबसे मूल्यवान माना जाता है। रिजर्व फॉरेस्ट सबसे वैल्यूएबल फॉरेस्ट में आते हैं, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के अंदर जितना भी फॉरेस्ट एरिया है इस वन क्षेत्र का 50% क्षेत्र आरक्षित वन में आता है, तो जिनका इतना बड़ा पार्टिसिपेशन है तो मोस्ट वैल्यूएबल तो होंगे ही। चलिए 133 देखिए, बिग बैंग विस्फोट सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, किसने बताया था ब्रह्मांड कैसे बनाया, जॉर्ज लेमेंत्रे ने बताया था। सबकी अलग अलग थ्योरी रही हैं, जिसमें से सबसे रिलायबल थ्योरी जो है वो बिग बैंग को माना जाता है। आगे चलें, चलिए 134 देखिए, भारत में संयुक्त वन प्रबंधन यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या क्या इंक्लूड करता है। जंगलों की सुरक्षा और प्रबंधन के लिए लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करने के लिए, एंगेज करने के लिए ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे सरकार का काम भी ईजी हो जाएगा, लोकल कम्युनिटी को जो भी फॉरेस्ट के प्रोड्यूस रहेंगे कुछ हिस्सा लोकल कम्युनिटी को भी दे दिया जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट हो पाएंगे, पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन से हम और आप जिंदा हैं, इसलिए भारतीय संस्कृति में पेड़ों को पूजा जाता है। आज भी आप गांव में जाइए तो पीपल पेड़ को पूजा जाता है, नीम को पूजा जाता है, तुलसी को पूजा जाता है, तो पेड़ इतना सब कुछ दे रहे हैं तो उनको प्रोटेक्ट करना भी हमारा दायित्व होना चाहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन पढ़िए, कंबाइंड एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड लोकल कम्युनिटी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 135, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य जहाँ पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहेंगे वो है उत्तर प्रदेश। अभी जो रिसेंट में इनॉग्रेट हुआ है उसका नाम आप लोग याद रखें, जेवर, जेवर एयरपोर्ट का नाम है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जीपी नगर में, गौतम बुद्ध नगर में। 2012 तक यूपी में दो ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, लखनऊ और वाराणसी, तीसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कुशीनगर। अयोध्या और जेवर ये टोटल
5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है हो जाएगा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 136 देखिए, क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि और संदर्भ से निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। यहाँ पर चारों ही ऑप्शन मोटे अनाज के एग्जाम्पल हैं। बदकिस्मती से इंडिया में इसे घटिया अनाज बोला जाता है, किसानों के द्वारा नहीं बोला जाता है, बौद्धिक प्राणियों के द्वारा बोला जाता है। लेकिन यही बौद्धिक प्राणी होटल में जाएंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहाँ पे मिस्सी रोटी ऑर्डर करेंगे, 150 रुपये पर रोटी आती है। तो विडम्बना देख रहे हैं, होटल वाले एक रोटी 150 रुपये की बेच दे रहे हैं, लेकिन बाहरी दुनिया में ये घटिया है। खैर चलिए, यहाँ पर थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप पूछा था, तो यहाँ पर ज्वार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्वार समझ रहे हैं ना, जौ। चलिए 137 देखिए, कृषि हेतु केंचुए लाभदायक माने जाते हैं, ये इकोलॉजी के आर्किटेक्ट हैं, इनको इंजीनियर ऑफ इकोसिस्टम बोला जाता है। तो इतना बड़ा दर्जा जब इनका है तो इनका योगदान भी उतना ही बड़ा होगा। केंचुए मिट्टी के अंदर पोर्स का निर्माण करते हैं, छोटे छोटे से छिद्र तैयार करते हैं ताकि जो कार्बन डाइऑक्साइड इन छिद्रों में ट्रैप है वो बाहर निकल सके और ऑक्सीजन एंटर कर सके, साथ में पानी भी। अगर ये चीज़ नहीं होगी तो कोई भी प्लांट ग्रो नहीं कर पाएगा। पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड पॉइंट भी करेक्ट है। वे मिट्टी को तोड़कर इसे नरम बनाते हैं। केंचुओं के द्वारा ये जो छिद्र किए जा रहे हैं इससे सॉइल पोरस हो जाती है। तो सेकंड पॉइंट करेक्ट लिखा है, यहाँ पे सही बताना था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 138 देखिए, तिब्बत का पठार किसका उदाहरण है। तिब्बत के पठार को 5 पहाड़ियों का कंजंक्शन पॉइंट बोल लीजिए या 5 पहाड़ों की नोट बोल लीजिए, गांठ बोल लीजिए। 5 पहाड़ियाँ आके मिलती हैं तब तिब्बत का पठार बनता है। तो ये कैसा प्लेटी हुआ, ये डाइसेक्टेड हुआ ना, विच्छेदित पठार हुआ। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कुछ हिस्सा इस पहाड़ी का होगा, कुछ हिस्सा इस पहाड़ी का होगा, कुछ हिस्सा इस पठार में इस पहाड़ी का होगा, है ना, तो ये विच्छेदित हो गया। चलिए 139 देखिए, जब दो फसलें एक साथ उगाई जाती हैं तब इसे क्या कहा जाता है। डबल क्रॉपिंग, आसान है, आपके पास एक खेत है, इसी क्षेत्र में आपने पहले ए फसल बो दी, जब इसकी कटाई होगी तो इसी जगह पर आपने बी फसल बो दी, यानी एक ही क्षेत्र में दो फसलें अलग अलग सीजन में, इसको बोलते हैं डबल क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग क्या है, इस खेत में एक ही समय पर दो फसल बो देना इंटर क्रॉपिंग है। एक ही समय में दो फसलें, एक फसल ए है दूसरी फसल बी है, बस आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, यहाँ पे सीजन एक ही है, एक ही सीजन में दोनों फसल एक ही स्थान पर बोई जाएंगी। डबल क्रॉपिंग में सीजन अलग अलग थे, एक ही कटाई हो जाएगी उसके बाद आप बी बोएंगे। इंटरक्रॉपिंग में ये भी दोनों को एक साथ बोया जाएगा और एक साथ काटा जाएगा। मिश्रित खेती यानी इसमें सब भर दो, चारा भी भर दो, फसलें तो जो हैं वो तो हैं ही, यानी यहाँ पे खाद फसलें भी उगा लीजिए और साथ में चारा फसलें भी उगा लीजिए पशुधन के लिए, पालन पोषण के लिए। क्वेश्चन पढ़िए, जब दो फसलें एक साथ उगाई जाती हैं तो ये चीज़ हमने इंटरक्रॉपिंग सीखा था, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 140 देखिए, यहाँ पे अभ्यास का नाम पूछा है, त्रिपक्षीय अभ्यास, भारत श्रीलंका और मालदीव। तो ये तो आसान है, शक्ति आप जानते हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है, ग्राउंड भी जानते हैं, ये भी इंडिया का फ्रांस के साथ एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास इंडिया और यूएसए का एक्सरसाइज है, तो दोस्ती बचा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 141 नीति आयोग द्वारा प्रकाशित सतत विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शीर्ष पर है। इंटरनेशनल लेवल पर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं, उनका टारगेट क्या है, अचीव करने का 2030 तक टारगेट है। इसी लाइन पर सभी कंट्रीज़ अपने अपने SDG सूचकांक बनाते हैं, अपने अपने डेवलपमेंट गोल्स को ट्रैक करने के लिए, चेक करने के लिए। इंटरनेशनल लेवल पर 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं जिसके सब गोल्स 169 हैं। इस बात को याद रखें, सतत विकास लक्ष्य जो सूचकांक है भारत का वो नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग दो फैक्टर देख लेते हैं, किस राज्य ने SDG पर सबसे अच्छा काम किया और किस राज्य ने सबसे बुरा किया। आप ये भी जानते हैं कि इस इंडेक्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है अचीवर, दूसरी है फ्रंट रनर, फिर कलाकार, फिर आकांक्षी। अचीवर का मतलब समझ रहे हैं, टारगेट क्या है SDG को अचीव करने का, 2030। अगर कोई राज्य 2030 से पहले ही SDG को अचीव कर लेता है तो वह अचीवर कैटेगरी में आ जाएगा। इसके लिए स्कोर 100 चाहिए होता है, तो ऐसा कोई भी स्टेट नहीं है अभी तक, फिलहाल नहीं है। सबसे अच्छा परफॉर्म SDG पे शिमला ने किया और सबसे बेकार धनबाद ने किया। ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं, याद रहेगा। तो यहाँ पे आंसर शिमला हो जाएगा, सीट्स पर पूछा था, ये ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 142 निम्नलिखित में से कौन सा नस्लीय समूह दुनिया में सबसे बड़ा है। नस्लीय समूह यानी रेशियल ग्रुप की बात कर रहे हैं।
यहाँ पे आपको चार रेसियल ग्रुप दिख रहा है, निक्रोइड, मंगोलॉइड और दो नीचे हैं कॉकेसॉइड और ऑस्ट्रेलॉइड। दुनिया का सबसे बड़ा जो रेसियल ग्रुप है वो कॉकेसॉइड है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, कॉकेशियन। आगे चलें, चलिए 143। निम्नलिखित में से कौन एक कोल्ड करंट नहीं है, कैलिफोर्निया, लेब्राडोर, वेंगुला, अलास्का। आसान है, तो पुराने प्रश्नों में हम लोगों ने करंट को समझा था। इस समुद्र में जो पानी का मूवमेंट है वो दो तरीके से होता है, एक तो हॉरिजेंटल मोशन में होता है और एक वर्टिकल मोशन में होता है। इस हॉरिजेंटल मूवमेंट को करंट बोला जाता है, जबकि इस वर्टिकल मूवमेंट को अपवेलिंग या डाउनवेलिंग बोला जाता है। इन धाराओं को आप समुद्र के अंदर नदी बह रही है आप ऐसे समझ सकते हैं। इससे हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि समुद्री धाराएं अपने आप में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी लिए रहती हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एक जगह से दूसरी जगह पानी का ट्रांसपोर्टेशन होता है। एक महासागरीय धारा में 6000 नदियों के बराबर पानी हो सकता है। और ऐसी कौन सी करंट है, कौन सी महासागरीय धारा है जो 6000 नदियों के बराबर अपने साथ पानी को ट्रांसपोर्ट करती है? उस करंट का नाम है क्यूरोसियो, जो आपको जापान के पास दिखेगी। हर एक कॉन्टिनेंट का जो पश्चिमी कोस्ट है, आप किसी भी कॉन्टिनेंट को उठा लीजिए, उस कॉन्टिनेंट के बेस्ट में इन सभी कॉन्टिनेंट के पश्चिमी कोस्ट पर ठंडी धाराएँ बहती हैं। जैसे आप यहाँ पर USA के पश्चिमी तट पर कैलिफोर्निया कोल्ड करंट देख सकते हैं, उसी प्रकार साउथ अमेरिका के बेस्ट कोस्ट पर पेरू नाम की ठंडी धारा बहती है, अफ्रीका में वेंगुला नाम की ठंडी धारा बहती है और ऑस्ट्रेलिया में वेस्ट ऑस्ट्रेलिया नाम की ठंडी धारा बहती है। क्वेश्चन में आपसे अलास्का के बारे में पूछा गया था जो वार्म करंट है, लेब्राडोर के बारे में पूछा गया था ये कोल्ड करंट है, वेंगुला कोल्ड करंट है, अग्लुआस वार्म करंट है और यहाँ पर आप कैलिफोर्निया की करंट देख रहे हैं ये कोल्ड करंट है। सबसे बड़ी महासागरीय धारा क्यूरोसियो है, इसके बारे में हम लोगों ने अभी पढ़ा था। बड़ी का मतलब है, बड़ी का मतलब यहाँ से जो ज़्यादा पानी को ट्रांसपोर्ट करती है, उस सेंस से है। तो यहाँ पे कर लीजिए जल्दी से, पहला पॉइंट है कैलिफोर्निया की धारा, ये कोल्ड करंट है, लेब्राडोर की धारा ये भी कोल्ड करंट है, बेंगुला की धारा आपने वेस्ट कोस्ट पे देखा था अफ्रीका के, ये भी कोल्ड करंट है, अलास्का की धारा ये वार्म करंट थी और बार में पूछा गया था आपसे, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 144 देखिए। द सैलिनिटी ऑफ द ओशियन डज नॉट गेट अफेक्टेड बाय, महासागर की लवणता किसके द्वारा प्रभावित नहीं होती है। कुछ बेसिक सी चीज़ें आप जान रही है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सैलिनिटी के, यदि तापमान बढ़ेगा पानी का तो लवणता बढ़ेगी। वेपराइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सैलिनिटी के, वाष्पीकरण तो तभी होगा जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो ये लगभग एक जैसा पॉइंट है, वेपराइजेशन भी सैलिनिटी को बढ़ाता है। और क्या फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कोई लैंड लॉक्ड लेक है, चारों तरफ ज़मीन है, बीच में पानी की बॉडी है जिसमें कोई भी नदी अपना वाटर सप्लाई नहीं कर रही है, तो इसकी भी लवणता बढ़ जाएगी क्योंकि फ्रेश वाटर की एंट्री नहीं हो पा रही है। और अगर इसी लेक में नदी की एंट्री हो रही है या नदी गिर रही है तब फ्रेश वाटर सप्लाई हो रहा है, तब इसकी सैलिनिटी ज़्यादा नहीं होगी, कम होगी। इसी टेम्परेचर से हम लोग अक्षांश वाला भी कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं कि अगर ऊपरी अक्षांश में कोई वाटर बॉडी होगी तो वहाँ तो ठंडे प्रदेश हैं, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता नहीं है, वेपराइजेशन भी कम होगा, तो आप कह सकते हैं कि अक्षांश यानी लेटीट्यूड भी सैलिनिटी को प्रभावित करते हैं। ये जो तीसरा पॉइंट लिखा, बर्फ़ के जमने, अब आप सोचिए बर्फ़ के जमने से क्या होगा, आप वाटर सप्लाई को फिक्स कर रहे हो ना, फ्रीज कर रहे हो, तो सैलिनिटी तो बढ़ जाएगी। यदि बर्फ़ को पिघला देंगे तो सैलिनिटी कम हो जाएगी, बर्फ़ को जमा देंगे तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी। बड़े बड़े जो हिमखंड होते हैं, आइसबर्ग होते हैं, जब वो पिघलते हैं तो वाटर बॉडी की लवणता कम हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा फैक्टर है जो प्रभावित नहीं कर रहा है सैलिनिटी को, बर्फ़ का भी देख लिए, डाइल्यूशन का भी देख लिए, बिलियन का देख लिए, कंडेंसेशन से फ़र्क नहीं पड़ता, कंडेंसेशन का कोई मतलब नहीं है सैलिनिटी से, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 145 देखिए। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वूमेन। जस्ट फैक्ट है, ध्यान रखना, 25 नवंबर को ऑब्जर्व किया जाता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 146 देखिए। काराकोरम में निम्नलिखित में से किस नदी को मृत्यु नदी के रूप में जाना जाता है, रिवर ऑफ डेथ इन द काराकोरम। सियोग नदी को यह दर्जा दिया जाता है, ये इंडस रिवर की सहायक नदी है। इसका कारण वही प्राचीन है, एंशियंट है, व्यापारी लोग जो होते थे उनको बराबर इस नदी को पार करना होता था, तो इसी पार करने के समय लोग बह जाते होंगे, जानवरों के झुंड वगैरह बह जाते होंगे। ठीक है, चलिए 147। लाल मिट्टी निम्न में से किसमें समृद्ध और संपन्न है, रिचनेस पूछ रहे हैं, रेड मिट्टी में क्या पाया जाता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे। जो आपने फिगर देखा था पहले, हम लोगों ने एलुवियल सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, स्क्रीनशॉट लिया होंगे आप लोग उसका, देखो वो यहाँ पे भी काम आ रहा, उस इमेज में
उस इमेज में रेड सॉइल का भी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको देख लेना कि कहाँ कहाँ पर पाई जाती है, ये मिट्टियाँ बनी किससे हैं। अगर ये आप जानते होंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ये इग्नियस रॉक से बनती हैं जो सबसे पुरानी चट्टान है, और इन चट्टानों की खास बात क्या है कि इसमें मिनरल्स नहीं पाए जाते, मिनरल्स जो भी पाए जाते हैं बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना, रेड सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होता है, फॉस्फेट नहीं होता है, मैग्नीशियम नहीं होता है, ह्यूमस भी नहीं होता है। रेड मिट्टी का आपको बस एक ही फीचर जानना है, ये पोटास में समृद्ध होती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि एक बार दिखा चुका हूँ, आप लोग वहाँ से प्लीज़ देख लेना। चलिए 148 देखिए। निम्नलिखित में से किसने उपन्यास हेल ऑफ अ बुक के लिए 2021 का राष्ट्रीय पुस्तक पुरस्कार जीता है, नेशनल बुक अवार्ड फॉर नॉवल हेल ऑफ अ बुक। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन किया गया है एक किताब का नरक, हेल ऑफ अ बुक। ध्यान रखना जैसन मॉट, जैसन मॉट की नॉवल है। ये बुक इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्योंकि इसको नस्ली हिंसा पर लिखा गया है, नस्ली आइडेंटिटी पर लिखा गया है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 149, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने अंटार्कटिका के लिए 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया। अंटार्कटिका के पास कौन सा रिसर्च स्टेशन है, मैत्री, और इसी के साथ में भारती भी है। अभी हाल ही में वैज्ञानिक अभियान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने शुरू किया, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने, ध्यान रखना। चलिए 150 देखिए। भारत की पहली घास संरक्षिका ग्रास कंजर्वेटरी का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था। इस कंजर्वेटरी का पहला ऑब्जेक्टिव तो यही रहेगा कि लोगों को बताएं कि ग्रास की भी स्पीसीज होती हैं, इसमें भी बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ होती हैं। इसके बाद फिर इसके महत्व को बताया जाएगा, महत्व तो सभी लोग जान ही रहे हैं, तभी इसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में उत्तराखंड ने किया, अल्मोड़ा में किया गया, ठीक है, ध्यान रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने 4 टेस्ट खत्म कर लिए। चलिए फिर मिलते हैं 5वें टेस्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।